अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 126 एंड 180 का बाय डिवीजन मेथड। एक ही ट्रिक को फॉलो करते हुए हम सीखेंगे कि किस तरह हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हैं 126 एंड 180। सबसे पहले हम उनको एक साथ लिखेंगे इस तरह कि हम उसे ईजिली डिवाइड कर सकें। 126 एंड 180, पहले हम एच सी एफ फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो एच सी एफ के लिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास यहाँ दो या दो से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज हैं उन्हें हम एक साथ और एक ही टेबल से डिवाइड करें। मीन्स ऐसा टेबल फाइंड आउट करना है जिससे ये दोनों वैल्यूज एक साथ डिवाइड हो सकें। तो देखिए, इसके लास्ट में 6 है और इसके लास्ट में 0 है, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर जैसे कि 2 और 6 है या फिर 0 हो तो वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज 2 से डिवाइड हो सकती हैं। तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे और 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे। इसी तरह 2 के टेबल में 18 बिल्कुल आता है 9 पे और 0 को हमने ऐसे ही कॉपी कर लेना है। अब यहाँ पर आ चुका है हमारे पास 63 और 90। 90 अभी भी 2 से डिवाइड हो सकता है लेकिन 63 के लास्ट में 3 है, इसलिए ये वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती क्योंकि 3 ऑड नंबर है। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3। तो हम देखेंगे कि क्या दोनों वैल्यूज 3 से डिवाइड हो सकती हैं। 3 की डिविजिबिलिटी किसी भी वैल्यू से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस वैल्यू में जितने डिजिट्स होते हैं उनको प्लस करते हैं, और उनको प्लस करने के बाद अगर ऐसा नंबर आए हमारे पास जो कि 3 का मल्टीपल है तो उसका मतलब होता है कि वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें 6 + 3 9 बनेगा। यहाँ हम 9 + 0 करें तो वो भी 9 होगा, यानी कि दोनों वैल्यूज 3 से डिवाइड हो सकती हैं। तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 6 बिल्कुल आता है 2 पे और 3 के टेबल में 3 भी बिल्कुल आता है 1 पे। यहाँ हमारे पास 9 है, 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और 0 को हमने ऐसे ही कॉपी कर लेना है। देखिए, अभी भी दोनों वैल्यूज 3 से डिवाइड हो सकती हैं, तो हम इनको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 21 आता है 7 पे और 3 के टेबल में 30 आता है 10 पे। 7 आपको पता है प्राइम नंबर है, सिर्फ और सिर्फ 7 यहाँ पर 7 से ही डिवाइड होगा, जबकि 10 जो है वो 7 से बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि अब ये दोनों वैल्यूज सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो सकती। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब है कि अब हम इसको मजीद डिवाइड नहीं करेंगे एच सी एफ फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि एच सी एफ हमारे पास आ चुका है। जब तक ये सेम टेबल से डिवाइड हुई तब तक ही हम इसे डिवाइड करेंगे। अब एच सी एफ के लिए हमें इन तीनों को कर देना है मल्टीप्लाई जिन सेम टेबल से हमने इन दोनों वैल्यूज को यहाँ तक डिवाइड किया जहाँ तक ये डिवाइड हो सकती थी। तो एच सी एफ के लिए हम इनको जल्दी से मल्टीप्लाई करके एच सी एफ का आंसर फाइंड आउट करते हैं। एच सी एफ के लिए हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है 2 × 3 × 3। 2 × 3 = 6 एंड 6 × 3 = 18। मीन्स हमारा एच सी एफ आ चुका है यहाँ पर 18। अब एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। एलसीएम में सिर्फ ये डिफरेंस है, उसमें ये जरूरी नहीं कि यहाँ जितनी भी वैल्यूज हैं वो सेम टेबल से डिवाइड हों। जो वैल्यू जिससे डिवाइड हो रही है हम उसे डिवाइड करते चले जाएंगे। बस हमें ये याद रखना है कि हमें यहाँ इन दोनों वैल्यूज को बिल्कुल एंड तक डिवाइड करना है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। तो यहाँ पे 10 है हमारे पास, 10 हमें पता है 2 से डिवाइड होगा, तो हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 7 को ऐसी कॉपी कर लेंगे। 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे। अब ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, दोनों वैल्यूज जो है वो अपने ही टेबल से डिवाइड होंगी। 5 को हम यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे, 7 को ऐसी कॉपी कर लेंगे। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे और यहाँ 7 को हमने 7 से ही डिवाइड करना है। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे और ये 1 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। अब एलसीएम के लिए क्या करना है, एलसीएम के लिए हमें इन तमाम को करना है मल्टीप्लाई। तो चलिए यहाँ हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना है जिन टेबल से हमने इन दोनों वैल्यूज को एंड तक डिवाइड किया है, और वो हैं 2 × 3 × 3 × 2 × 5 × 7। अब इनको जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 2 = 36। 36 को हमने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना है, वो हम रफ वर्क में करके देख सकते हैं। 36 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 6 = 30, 3 कैरी, 5 × 3 = 15, 15 + 3 = 18, ये हमारे पास आ चुका है 180। और इस 180 को हमने लास्ट में मल्टीप्लाई करना है 7 से। 7 × 0 = 0, 7 × 8 = 56, 5 हमारे यहाँ कैरी है, 7 × 1 = 7, 7 + 5 = 12। मीन्स हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी आ चुका है हमारे पास 126 एंड 180 का, और वो है 1260। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने एक ट्रिक को फॉलो करते हुए एलसीएम और एचसीएफ जो है दोनों इजीली फाइंड आउट कर लिए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।